अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं इकरा शहजाद। नजर आते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। जहानिया में एमकेएम का अवामी ताकत का मुजाहरा, अल्ताफ हुसैन कहते हैं मनफी प्रोपोगेंडे के बावजूद मुतहदा की मकबूलियत कम नहीं हुई, बरसर इकतदार आकर तमाम मसाइल हल करेंगे। नवाज लीग ने इस्लामाबाद में भी सियासी मैदान सजा लिया, नवाज शरीफ ने कहा खिलाड़ी और मदारी मिली भगत से नून लीग पर हमले कर रहे हैं, बरसर इकतदार आकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। पंजाब में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी गेमा गेमी, इमरान खान का कहना है कि नस्ली की सियासत वापस लाना होगी, सावक हुक्मरानों ने बिजली के बजाय सिर्फ माल बनाया। टोबा टेक्सिंग में पुलिस का राज, तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर तशद्दुद, जलसे में शिरकत से रोकने के लिए जगह जगह नाके। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 69,885 पोलिंग स्टेशन कायम, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं 15 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल हो गई। सिब्बी में आजाद उम्मीदवार सरफराज डोमकी के काफले पर हमला, एक हमलावर हलाक, दूसरा गिरफ्तार। कराची के इलाके बहादुराबाद में नामालूम अफराद ने जमात इस्लामी के इलेक्शन ऑफिस को आग लगा दी। और 14 साल बाद स्क्वैश की दुनिया से अच्छी खबर, आमिर अपलस एशियन चैंपियन बन गए। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद।